आज नरेंद्र मोदी एक नाम, एक व्यक्ति, एक व्यक्तित्व पूरी दुनिया जानती है, मगर उसके पीछे 40 साल का एक समर्पित, एक ही दिशा का और एक ही निष्ठा के साथ किया हुआ संघर्ष और प्रयास, इसके लिए जिम्मेदार है बहुत कम लोगों को मालूम होगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बनकर समाज की समस्याओं के निवारण के लिए और समाज की एकता के लिए काम करने का उन्होंने निर्णय किया। प्रचारक बनते ही इमरजेंसी आई और इमरजेंसी के दौरान उन्होंने एक युवा प्रचारक के नाते गुजरात में अंडरग्राउंड रहकर, भूमिगत रहकर काम करने वाले सभी विचारों के अलग अलग कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, उसका हौसला बढ़ाया और चुनाव तक भूमिगत रहकर ही उसी आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है, नरेंद्र भाई ने जो इमरजेंसी के उनके अनुभव थे उनके बारे में भी लिखा है। 4 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है। 3 पुस्तकों के जो लेखक हैं अथवा जीवन में जो कुछ भी अपने अनुभव उन्होंने लिखे हैं अपनी डायरी में, और उसके अतिरिक्त सोशल हार्मनी, सामाजिक समरसता, इस पर जो पुस्तक लिखी है, उसके लेखक तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और दूसरी पुस्तक मोदी कॉमन मैन्स पीएम, इसको लिखने वाले हमारे किशोर जी मकवाना हैं। 1 लेखक तो यहां पर उपस्थित हैं, लेकिन 4 पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। इसलिए सबसे पहले मैं अपने इस दायित्व का निर्वहन करना चाहता हूं कि मैं दोनों लेखकों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विशेष रूप से बहुत नजदीक से नरेंद्र भाई को समझने का मुझे अवसर मिला है, और मैं उस समय ही यह भाप गया था कि इस व्यक्ति के पास भाव भी है, भाषा भी है, शैली भी है और जन सामान्य को संदेश देने की एक अद्भुत कला भी है। साहित्यकार भी वही बन सकता है जिसके अंदर भाव हो, जिसके पास भाषा हो, जिसके पास शैली हो, जिसके पास जनता को संदेश देने की एक कला हो।